हाय गाइस, मैं प्रणाम आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ यूनटेक, जो एक चाइनीज कंपनी है, इसकी सेल्फिस्टिक का मोनोपोड है यूनटेक YT188। इसका नाम है सेल्फिस्टिक भी और मोनोपोड भी, इसमें काफी सारे फीचर्स हैं तो मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस बॉक्स में ये सेल्फिस्टिक का मोनोपोड मिलता है। ऊपर की तरफ इतना कुछ खास लिख नहीं रखा है, इस तरह कुछ फोटोज दे रखे हैं कि आप इस तरह से अटैचमेंट कर सकते हैं, कोप्रो के मोबाइल्स वगैरह में कर सकते हैं, इस तरह से अटैच कर सकते हैं। इस तरह भी कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ फीचर्स लिख रहे हैं, देख लेते हैं। टेक योर ऑन पिक्चर्स, नो नीड टू आस्क स्ट्रेंजर्स टू टेक योर अ पिक्चर, बेटर एंगल पिक्चर, फ्लेक्सीबल मोबाइल होल्डर, स्टडी डिज़ाइन, वर्किंग विथ 4 to 5 2 1 to 5 0 mm, वेट 235 ग्राम, वगैरह वगैरह चीज़ें मिलती हैं। मैं बता दूं आपको कि सेल्फी स्टिक के साथ साथ एक मोबाइल अटैचमेंट आता है, जो मोबाइल अटैचमेंट अभी जो मैं ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ उसमें लगा हुआ है, वो मैं आपको फोटो में बता रहा हूँ कि इस तरह का मोबाइल अटैचमेंट आपको मिलता है। इसी के साथ आपको एक ब्लूटूथ शटर भी मिलता है, जो मेरा कज़न ले गया है उसे, तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता। आप फोटो में देख लीजिए, वाइट कलर का इसके साथ मोबाइल ब्लूटूथ शटर आया था। तो इस अब बात करते हैं सेल्फी स्टिक की, तो नीचे की तरफ आपको एक रेशमी ग्रिप दी गई है, जैसे आप अपने हैंड में हैंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कि बाहर जाते हैं तो बिल्कुल रेशमी यहाँ पे ग्रिप दी गई है। जैसा कि कैमरे में शायद सही फोकस नहीं पड़ रहा है, तो मैं जी हाँ पड़ रहा है, तो इस तरह की रेशमी ग्रिप दे दी गई है। उसके नीचे की तरफ आपको बॉटम में एक होल मिलेगा, जहाँ पे आप एक छोटा सा ट्राईपोड, जो करीबन 450 तक आता है, तो आप लगा के ऐसे ट्राईपोड बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे स्टैम्ब्लिश कर सकते हैं कि आप अपनी वीडियोज़ के लिए स्टैम्ब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि बना रहे हैं तो उसकी लिंक, यदि आप उसको परचेस करना चाहते हैं, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और ये जो सेल्फी स्टिक, इसकी भी लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप हो सके तो आप मेरी लिंक से परचेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल की हेल्प भी हो जाएगी। और यदि उसके ऊपर आया तो यहाँ पे आपको रबर की ग्रिप मिलती है, इस तरह से आपको आप फिंगर लगा सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दबाएंगे कुछ भी नहीं होगा आपके हाथ पे, बहुत ज़्यादा कुछ बिल्कुल सॉफ्ट ही है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह की ग्रिप मिलती है आपको रबर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह आपको यूनटेक लिखा गया है, 188 लिखा हुआ है। और इस तरफ से आपको 3 लॉक मिलते हैं आपको, कि आप इसको साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसकी साइज़, जैसे कि पूरी जो सेल्फी स्टिक है, इसकी साइज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि तकरीबन 4 to 5, यदि जो इसको मैंने डिक्रीज़ कर रखा है तो 4 to 5 mm, मतलब आप कह सकते हैं 1.5 फिट है तकरीबन। और यदि इसको मैं फैला देता हूँ, इन लॉक को मैं खोल के फैला, तो काफ़ी लंबी सेल्फी स्टिक बन जाती है ये, बहुत ज़्यादा लंबी सेल्फी स्टिक। और उसमें देखा गया 1 to 5 0 mm, आई थिंक 1 to 5 0 mm होता है तकरीबन, 4 फिट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको मिलता है, ये लॉक काफ़ी पावरफुल, ऐसा नहीं कि लॉक बहुत जल्दी खो जाते, इसको लॉक लगाने के बाद यदि मैं इतनी ताकत के साथ इसको कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेरे पूरे कंधे का प्रेशर आ रहा है। तो एक बार मैं करके बताता हूँ आपको, कि आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट मेरे हाथ फिसलने लग गए हैं। देखिए, मेरे हाथ फिसलने लग गए हैं, लेकिन लॉक हट नहीं रहा। तो लॉक काफ़ी पावरफुल है, आप देख सकते हैं 3 लॉक मिलते हैं आपको इसकी जगह पे, ये देख लीजिए 3 लॉक मिलते हैं, काफ़ी साढ़े, जैसे मैंने बोल दिया कि 4 फिट से भी ऊपर की सेल्फी स्टिक है ये। और ऊपर की तरफ हम देखें, यदि इसके लॉक के ऊपर देखें, तो यहाँ पे आपको एक इसको स्क्रू मिलता है, जिससे आप सेल्फी स्टिक को, शायद कैमरे का फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, आप ठीक है, तो इस तरह से आप 180 डिग्री पे आप इसको सेल्फी स्टिक बना सकते हैं कुछ इस तरह से। और आपको इसको ट्राइपॉड बनाना तो बिल्कुल सीधा रख लीजिए, तो एक 180 डिग्री पे मूव हो जाता है ये। तो एक बार इसको चूड़ी कसने के बाद ये खुलेगा नहीं बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इसको मैं खोल के बता देता हूँ आपको कैसे ये होता है, तो उसको मैं पूरा खोल के बताता हूँ कि आप उसको देख भी सकते हैं। इस तरह का ये पेच है और इसके ऊपर ये इस तरह का लगा हुआ है, और कुछ नहीं है इतना खास, बट फिर भी बहुत ही अच्छा है ये कि खुलता नहीं है। तो इस तरह से आप फिर से कस सकते हैं, स्क्रू कह सकते हैं। तो इस तरह का ये स्क्रू मिलता है आपको, और सबसे खासी बात ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टील की प्लेट दी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मोबाइल का बैक कैमरा यूज़ कर रहे हो, या फिर कई सारे मोबाइल्स में, जो मोबाइल्स के कैमरे में
आपको आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या रिकॉर्ड कराऊँ, तो आप इसको ऐसा सिंपल से रख के ऊपर आपका मोबाइल आ जाएगा, मोबाइल अटैचमेंट के साथ मोबाइल लग जाएगा, फिर आप देख सकते हैं कि स्टिल में मेरा क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो कांच की तरह यूज़ होता है ये, जैसा कि कैमरा सही हो रहा हो, तो देख सकते हैं कि आप कैसे ये आप सामने से देख सकते हैं कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको मिलता है। देन ऊपर की तरफ आपको ये चूड़ी मिलती है जिससे आप मोबाइल अटैचमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप मोबाइल अटैचमेंट को रख के इसे घुमाइए तो वो टाइट हो जाएगा, लूज करना है तो इसे बैक साइड में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो इस तरह से काम करता है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे ब्लॉगिंग में यूज़ कर सकते हो या फिर आप कमरे में बना रहे हो वीडियो, तो ट्राईपोड के यूज़ कर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि नीचे आप होल लगा के कर सकते हो, एक छोटा सा ट्राईपोड आता है तो उस तरह से यूज़ कर, तो काफ़ी अच्छी सेल्फी स्टिक है। मैंने देखा, मैंने इसे करीबन परचेस किया था 500 से थोड़ा सा ऊपर 550 रुपीज़ में परचेज़ किया था, तो काफ़ी अच्छी रेट है। तो अभी मुझे पता नहीं कि अमेज़न पे कितने में मिल रही है, बट मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो काफ़ी अच्छी डील है ये। मैं बता दूं आपको, इसके साथ मिला है मुझे मोबाइल अटैचमेंट जो मेरे साथ मेरे अभी ट्राईपोर्ड में लगा हुआ है, और इसी के साथ मुझे एक ब्लूटूथ शटर मिला है जो मेरा कज़न ले गया है, जो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, तो वो तो उसके पास चला गया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी, यदि आप सेल्फी स्टिक का मोनोपोड लेने की सोच रहे हैं या फिर सेल्फी स्टिक ही लेने की सोच रहे हैं तो आप यही लीजिए, मेरी सजेशन है। सो गाइस, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दो, यदि बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, तो बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।